तो मैं लेके आई हूँ अपना फेवरेट कलाड़ी वाला कुलचा। कुलचा हमने कर ली है एंट्री, और अभी हमने इस सामने वाली शॉप से इनके लिए ये बैग लिया है। हम जगह ढूंढ रहे हैं शूट करवाने के लिए। बड़ी करवाएंगे, ये वाली करवाएंगे बड़ी है, एक दूसरे वाली करवाएंगे। कौन सी ये वाली? तो रात ये हमने रूम लिया था बाणगंगा के रोड पे ही। की नींद हमने बहुत अच्छे से पूरी कर ली और हमारी सुबह हो गई है कटरा में माता रानी के द्वार पे। बच्चों की तरह उल्टे शू रखे हुए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं कार पार्क करने के लिए। ये है टिकट काउंटर, अब हम यहाँ से लेने वाले हैं अपना आईडी कार्ड। ये है मेरा आईडी कार्ड, मेरा छोटा सा ऑरेंज कलर में मिला मुझे। ये मेरा घोड़ा। अभी ठंडी चल रही है, ठंडी चल रही है हवा यार, जहाँ पे बस अभी थोड़ी देर तक स्वेटर पहन के अनदर व्लॉग। तो आप सब ये बैग देख रहे होगे और सोच रहे होगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी माँ के पास। हम जा रहे हैं आज वैष्णो देवी। हम बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं, मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ। हस्बैंड मेरे शूट कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे बड़े ज्यादा खुश हैं। तो आज हम एक साल के बाद जा रहे हैं। हम हमेशा ही एक साल में एक ही चक्कर लगाते हैं और हमारी डेट्स भी हमेशा यही होती है मार्च की एंडिंग में। तो आज हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या क्या रोड में हो रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ टू कटरा जा रहे हैं तो बहुत लंबा सफर है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो रास्ते में बताऊंगी आपको कि क्या क्या हो रहा है। स्टे ट्यून। तो हमारा प्लान था जल्दी जाने का, तो मैं आपको दिखाती हूँ टाइम। ये मेरे पति लास्ट टाइम पे ही बेचारे काम करते हुए, टाइम देख लो हमें दोपहर का 1 बज गया और हमारा प्लान था कि हम निकलेंगे 11 बजे, है जानू? 11 बजे का प्लान था अपना, लेट हो गए। चलो सब कुछ चेक किया, टेंशन नहीं लो। अब मेरे हस्बैंड को ये होता है मैं लास्ट टाइम पे बस कुछ भी ऐसे वैसे नहीं होना चाहिए। तो हम पहुंच गए हैं अपनी गाड़ी के पास, अब हम रखेंगे इसमें बैग और निकलेंगे। हाँ 1 बज गया हमें यहीं पे। जानू भारी लग रहा है, भारी लग रहा है। भारी बहुत है, अभी इसमें सारा सामान है ना, जब हमने ऊपर चढ़ाई करनी है तब हम यूज वाला ही लेके जाएंगे। तनु लंबे सफर के लिए तैयार हो? गजब बेइज्जती है। तो हमारी सोसाइटी में ही सारी शॉप्स वगैरह हैं, आप देख सकते हो। हम हमेशा यहीं से आके परांठा खाते हैं, इनका परांठा बहुत ही टेस्टी होता है। वैसे बाहर सीटिंग का अरेंजमेंट है बट हम कार में ही खाते हैं अपना। बस हमारा भी डन होने ही वाला है, उसके बाद हम निकलेंगे। तो आ गया हमारा स्टारबक्स। मैंने अपनी जान को पहले ही बोल दिया, उनको जाने से पहले कॉफी पिलाओ एक, पहले फ्रेशनेस लेनी है ना लंबे सफर की। फटाफट कॉफी लेके।
अभी पठानकोट 80 किलोमीटर पड़ा है, बड़े ज़्यादा थक गए, मैं बड़ी थक गई, हस्बैंड भी थक गए, क्योंकि रोड सीधी है ना, और हम निकलते हुए भी हमें बड़ा टाइम लग गया। 1 बजे घर से निकले, खाना वाना खाया, छोटा मोटा काम करते करते अब थक गए थोड़े से। हस्बैंड ज़्यादा थक गए वैसे, मैं दिखाती हूँ आपको इनके हालात। और ये पठानकोट का ट्रैफिक देखो, 2 जगह सिग्नल थे, 2 जगह सिग्नल करके आए हैं अभी। ये देखो हाल कितना बुरा हाल है, ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, ऊपर से इतने थक गए अभी 80 किलोमीटर ये पड़ा है। उसके बाद जम्मू पहुंचेंगे, उसके बाद हमने कटरा पहुंचना है, तो जम्मू पहुंचते हुए हमें 9 बज जाएंगे अभी। ये देखो ये अभी तक लाइट लगी हुई है। तो यहाँ शिव जी भगवान जी का बहुत अच्छा मंदिर है, हमने माथा टेक लिया, अब हम जा रहे हैं यहाँ से। अंदर मंदिर के वीडियो नहीं बनाई है, देखो कितनी प्यारी मूर्ति है भगवान जी की। बस पठानकोट पहुंच गए हैं, एंट्री होते ही ये आता है, मंदिर बहुत ही अच्छा है। आप सब ये देखो आसमान में दिख रहा है आपको, ये जानू देखना एक बारी, ये देखो कितने ज्यादा हैं, ये पूरी जगह है, ये जूम करके आपको दिखेगा। ये देखो मैं आपको और दिखाती हूँ, ये पूरा आसमान चेक करो, ये देखो हर जगह है, ये दूर से नहीं दिख रहे, आप देखना मैं जूम करूंगी ना, ये देखो। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं बॉर्डर पे, यानी कि मेरा देश। तो ये है बॉर्डर, वो देखो वहां पे ट्रक्स जा रहे हैं, तो गाड़ियों वाला टोल अलग से आता है। वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कि मेरा स्वागत है जम्मू कश्मीर में। ये आ गया है हमारा टोल, ये है लखनपुर का टोल। जेएंडके स्टेट के अंदर विराजमान हो गए हैं, मेरा सिम भी बंद हो गया। हाँ, यहाँ पे मेरे हब्बी का सिम बंद हो गया है, क्योंकि उनकी चंडीगढ़ की सिम है पंजाब की, और मेरी है जेएंडके की। और चंडीगढ़ वालों, अब मैं अपनी जान को अपनी स्टेट में किडनैप करके ले आई हूँ। क्या बोला तूने? यहाँ पे पल्ले बड़े मशहूर है, लखनपुर में आओ कभी तो पल्ले जरूर ट्राई करना। अब इसके बाद जानू कितना रह गया हमें कटरा के लिए? तो काफी पड़ा है, काफी पड़ा है, अभी तो सांबा आना है, फिर जम्मू। तो फिलहाल अभी अंधेरा बड़ा है, तो हम मैं अपने हब्बी को जितना ले रही हूँ वो थोड़े ही दिखेंगे, आप हमारी आवाजों को एंजॉय करो। अच्छा, जम्मू सरकार नु एको ही बेनती है मेरी, हाँ जी यार स्पीड लेट ऑन का कर लो। चंडीगढ़ आपका अलग है, हमारा जेएंडके अलग है, हमारा जेएंडके भी बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है, बढ़िया है, कभी लैंड नहीं मार रही है, गजब बेइज्जती है। थोड़ा आउट रोड है ना, तनू अपने ब्लॉग का वो डालूंगी कि पहाड़न लड़की पंजाबी जट। तो मैं लेके आई हूँ अपना फेवरेट कलाड़ी वाला कुलचा। मम्मी का फोन बज गया साथ में, जब भी मैं जम्मू आती हूँ ना तो ये तो मैं खाती ही हूँ पहलवान का, मैंने 3-3 कुलचे करवाए हैं। जम्मू में भी बड़ी ज्यादा बारिश हो रही है, अभी कटरा भी देखो आप कितनी बारिश हो रही है। पहुंचने वाले ही हैं, तो अभी ये सेकंड टनल है, तो टनल के अंदर का नजारा देखो कितना अच्छा है।
बस अब 20 किलोमीटर तक रह गया है, बारिश भी चल रही है, हम भी चल रहे हैं नेक्स्ट टनल एक और आगे। अब गाड़ी कोई भी नहीं है हमारे आगे, एक आती जा रही है शायद। सुबह टिकट भी लेनी है, अब हम अपने होटल के लिए प्रस्थान करेंगे। जानू हम भी ये पहन के जाएंगे, तो वो सबने पहनी है बरसाती, क्योंकि बारिश आती है ना ऊपर। तो अभी हम अपने रूम में आ गए हैं। आज से पहले हम जो भी मतलब जब भी आए हमने जिस होटल में रूम लिया था इस बार तो वो बुक था, और हमने प्री बुकिंग भी नहीं करवाई हुई थी हमारा, क्योंकि रैंडमली करना था। तो इससे हमें ये वाला रूम मिला है, ये भी होटल काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा रूम है, नीट एंड क्लीन है, पसंद आया। वाईफाई फैसिलिटी भी है, आपको बहुत शुक्रिया खाती हूँ। किसी को लगेगा ये कवर्ड है, बट ये कवर्ड नहीं है, वॉशरूम एंड गीजर भी इंस्टॉल हो गया हमारा। फिलहाल के लिए वो नीचे हमारी कार लगी हुई है, इसे अभी हमने पार्किंग में लगाना है, होटल की ही पार्किंग है, क्योंकि अभी हमें कार चाहिए क्योंकि हमने थोड़ा सा रेस्टोरेंट में डिनर करने जाना है। और ये देखो सामने माता वैष्णो देवी की पहाड़ी पूरी दिख रही है, तो यहीं से हम दर्शन करेंगे और सुबह सुबह उठ के हम जाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। अरे कहना क्या चाहते हो? दो तीन बार बोली एक तो रात को अच्छे से हमारी नींद पूरी होगी। आप मेरी शक्ल देख के अंदाजा लगा सकते हो कि नींद हमने बहुत अच्छे से पूरी कर ली, और हमारी सुबह होगी है कटरा में माता रानी के द्वार पे। तो अब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड फ्रेश हो चुके हैं, बच्चों की तरह उल्टे शू रखे हुए हैं, मस्त लग रहे हो, मस्त मस्त लग रहा हूँ, बहुत सही लग रहे हो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। तो अभी हम जा रहे हैं कार पार्क करने के लिए। हमारी कार पार्क लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी सारी पार्किंग होती हैं, तो हमने जिस होटल में रूम लिया है तो उसकी पार्किंग ये वाली है स्पेस। चलो पति लगे हुए हैं चेकिंग करने के लिए कि हाँ प्रॉपर लगी है, ओके डन है, सेफ है। सो ये है हमारी पार्किंग स्लिप। तो ये भैया आए थे साथ में हमें लेके, हम जा रहे हैं आगे आगे, मैं चल रही हूँ पीछे पीछे। क्या बोला तूने? यहाँ पे ऑटोज लगे, अभी हम मेन वाली मार्केट में जहाँ से कटरा की एंट्री होती है।
जगह ढूंढ रहे हैं शूट करवाने के लिए कि कहाँ शूट करवाएं। यहाँ पे तो पहले ही बड़ा रश है, दुनिया शूट करवा रही है। रात का टाइम भी कितनी रौनक है। अभी हमने इस सामने वाली शॉप से इनके लिए ये बैग लिया और पकड़ना है इसको। एक हमने ये लिया, वैसे हम अपना खुद के लिए लेके आए थे ट्रैवल वाला, पर इतना ज्यादा मजा आया ना, इतना ज्यादा मजा किया हमने। ये लिया एक मेरे हस्बैंड ने बैग लेदर का, तो अभी हमने ये वाला एक एक्स्ट्रा बैग लिया। एक बैग तो हम ये बड़े वाले लेके आए थे, फिर हमें ये था कि हम इतना अगर सामान नहीं भी हमने कैरी किया तो ये बैग हमारे लिए ठीक रहेगा। और यहाँ पे हमें पता नहीं था कि इतनी ठंड है, चंडीगढ़ में तो बहुत ज्यादा गर्मी थी बट यहाँ पे ठंड है, तो ये बहुत ही अच्छा स्पेशियस बैग है। प्राइस कितने का पड़ा वो पति को पता होगा, प्राइस का मुझे अंदाज़ा नहीं। फिर हमें ये बैग पसंद आया, बड़ी अच्छी लुक थी उसकी। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हम स्कूल के टाइम पे होते थे तो हम ऐसे बैग किताबों के लिए यूज़ करते थे, अपनी कॉपीज वगैरह भरने के लिए। और अब ये बैग तो ट्रैवलिंग वाले हो गए। हाँ, ये ट्रैवलिंग वाला बैग दिखता है कि ये, हाँ ये हाई ट्रैवलिंग वाला बैग है, जैसे कि आप इसे देख सकते हो, ये है प्रॉपर ट्रैवलिंग वाला। बट ये तो मुझे बुक्स वाला ही बैग लगता है, बट आजकल इसको भी लोगों ने ट्रैवलिंग वाला बना दिया। तो था अब मैं आपको फोटोज दिखाती हूँ जो हमने शूट करवाया। तो ये है सबसे पहली फोटो जिसमें मैं अपने हस्बैंड को पानी पिला रही हूँ। लग रहे ना हम दोनों बड़े अच्छे क्यूट क्यूट। ये बेसिकली कश्मीर स्टाइल का फोटो शूट हुआ है। आप देखो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि हम वाकई इस वैली में गए हैं और ये हमारा ओरिजिनल है। एक शूट ये है, हर एक फोटो का हर एक डिफरेंट शूट है। ये शूट एक अलग है, इसकी ये फोटोग्राफ, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ, ये हमने माता वैष्णो देवी का शूट किया है, वहाँ पे उन्होंने ये सेटअप तैयार रखे होते हैं। तो एक ये किया हमने, बहुत ही अच्छा क्वालिटी भी, पिक्चर्स की बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छी, हमें भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। और हमें सच में यहाँ पे फीलिंग आ रही थी कि हम सच में दरबार में बैठे हैं। अंदर तो सबको पता है कि ज़्यादा देर तक रुकने नहीं देते हैं, बट चलो एक यादगार मेमोरी। तो ये था हमारा सेकेंड शूट। अब ये है थर्ड शूट हमारा, यहाँ पे ये इन्होंने बोटिंग वाला सेटअप तैयार किया हुआ था, तो ये बोटिंग वाला शूट था। और बहुत ही अच्छे अच्छे हमने प्रॉप पहने थे, आप देख सकते हो। ये है फोर्थ, ये मैंने अकेले का शूट करवाया। ये कैसा था कि जैसे कश्मीर में बागीचा होता है तो टोकरी उठाई होती है फूलों वाली, तो ये ऐसा है। एंड ये है फाइनल फिफ्थ शूट, ये देखो टड़ा, इतना अच्छी मुझे पिक्चर्स लगी है ना कि हम ये वाली पिक्चर्स बड़ी बड़ी भी करवाएंगे। कुछ जो हमें ज़्यादा पसंद आई तो उसे हम फ्रेम भी करवाएंगे, ये भी हम फ्रेम में लगाएंगे पिक्चर्स, पर हम कुछ थोड़ी सी बड़ी भी करवाएंगे जो हमें ज़्यादा पसंद आई। इसमें देखो डफली वाले डफली बजा।
मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये वाली हम एक बड़ी करवाएंगे माता वैष्णो देवी वाली, ये बड़ी करवाएंगे हम। ये वाली करवाएंगे बड़ी है एक दूसरे वाली करवाएंगे। कौन सी? ये वाली? दूसरे वाली नहीं, दूसरे वाली, दूसरे वाली। ये गड़वे वाली? हाँ गड़वे वाली, ये वाली करवाएंगे। ठीक है, ये अमृत पिला रही हूँ उनको। अमृत नहीं है, इसके बीच में जहर है। जहर पिला रही हूँ अपने पति को। ये दो पिक्चर्स ना जान हम बड़ी बड़ी करवा लेंगे। ठीक है, एक ये बड़ी करवा लेंगे और एक ये बड़ी करवा लेंगे। तो इसको हम फिर फ्रेम में लगा लेंगे। ठीक है, हम हो चुके हैं रेडी। मैं तो रेडी हो गई हूँ, हस्बैंड मेरे हो रहे हैं रेडी। अब हमने करनी है चढ़ाई। जन इधर को आई, मैं आपकी क्लिप ले रही हूँ। मेरी जान भी हो चुकी है रेडी। आए मार डाला राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। ये वाला कॉर्ड सेट पहना है। हाँ देख रहे हैं, क्योंकि कंफर्टेबल होता है चढ़ने के लिए, जींस वगैरह हम कर रहे हैं ना। कॉर्ड सेट पहन लेते हैं। मैंने ब्लैक पहना था आज। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी जान रेडी हो चुकी है। ये है इनके बाल जो खराब हो चुके हैं। तुम खराब हो गए क्या? ना ठीक है, खराब हो गए। ठीक है, ये हमने रूम लिया था बाणगंगा के रोड पे। ये बाणगंगा का रोड, वो सामने त्रिकुटा पर्वत है। अभी हमने वो वहाँ जाना ऊपर, पूरा पहाड़ घूमते घूमते। और बैक साइड है पूरा, हम चले। मैंने चेक कर लिया अपना, ये है अपना। अपना कैसे है? अच्छा थप्पना है। आप क्यों थप रहे हो यार? जानू वो खुद करेंगे यार, होटल वाले उनका काम है ये। मेरी जान अपना घर वाला काम करने लग गया तेरी। हमारे दो बैग रेडी हो गए हैं, जिसमें से हम ब्लू वाला लेके जाएंगे, वो है हमारे फोटोज। और हमारा रूम हो गया खाली। सुबह जड़ पड़ गया था तो हमें डर लग गया था कि भाई बारिश ना आ जाए, पर अब आसमान क्लियर है और वो रहा हमारा त्रिकुटा पर्वत। कैसे पहनूं? क्या एक मैं पकड़ लूं हल्के वाला? बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तैयार है जंग लड़ने के लिए? वो वाला मैं पकड़ लेती हूँ। ये मिरर पहले का ही टूटा हुआ है साइड से, मैं बता दूं। हमने नहीं तोड़ा। हम घर भी नहीं लड़ते। तो मैंने सिर्फ उठाई है फोटोज। जान चाबियां भी उठाओ, ताला मारने का काम आपका। मेरी जान हर एक चीज अच्छे सेट करती है। देखो तो ये कंबल तक तय करके गई है। नहीं जरूरी है, नहीं है जरूरी, दुनिया सट के जाती है। चले फिर, आ लफाफा किसके? अच्छा उठा लो चाबी। एडा बड़ा छल्ला है ये, इतना भारी कि ये किसी के मुंह पे बज जाओ ना उसको मजा आ जाए। तो चलते हैं हम। इसकी बना ले इसकी। ये देखो, ये है साईं बाबा। क्या बोला तूने? साईं बाबा नहीं है साईं बसेरा। सॉरी, साईं बसेरा है हमारा होटल का नाम। और हमारी चाबी है ये, पीछे नंबर भी लिखा है इसके। नंबर हो हमारा फ्लैट नंबर 603। हाँ, रूम नंबर 603। चेकआउट हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ रह के दो दिन। तो दो दिन में हमारे लग गए 3000, यानी कि एक डे का 1500 था, तो टू डेज में हमारे 3000 लगे हैं। तो यहाँ चेकआउट हो रहा है। अब हम ऑटो का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। देखेंगे ऑटो लेके जाएंगे पार्किंग तक, फिर वहीं से हम जाएंगे टिकट लेने के लिए। बैठ गए हैं ऑटो में।
ये लगा ऑटो। अब इसी ऑटो में हम जाएंगे टिकट काउंटर तक टिकट लेने के लिए, और उसके बाद हम यही ऑटो में कंटिन्यू बाणगंगा तक जाएंगे। तो पार्किंग हम यहीं अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो, मैंने एक चिच्ची उंगली से बैग पकड़ा हुआ है, बैग रख दिए, गाड़ी हमारी यहीं रहेगी। यहाँ पार्किंग तक लेके आए और साथ में अभी टिकट दिलवा के बाणगंगा तक छोड़ने के हमारे लग रहे हैं 270 रुपीज़। ये है टिकट काउंटर। अब हम यहाँ से लेने वाले हैं अपना आईडी कार्ड, क्योंकि मैं इसको आईडी कार्ड ही कहूँगी। तो यहाँ पे लगी है बहुत सारी लाइन और हम भी खड़े होने लगे हैं लाइन के अंदर, तो हम भी लग गए लाइन में। यहाँ लाइन में लग गई है, पहले मैं लगा हुआ था आगे। मेरा छोटा सा ऑरेंज कलर में मिला मुझे, इनका अच्छा। तो मेरी एंट्री हो चुकी है सबसे पहले। बॉयज़ की लाइन बहुत ही बड़ी लगी हुई है, आप रश देख सकते हो इस बड़ी। अब मेरे हस्बैंड को लगेगा बहुत ही ज़्यादा टाइम। आप यहाँ पे रश देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे चेकिंग चल रही है, सब वेट कर रहे हैं अपने अपने हस्बैंड का, क्योंकि किसी का भाई किसी का हस्बैंड सभी मतलब यहीं पे हैं, तो फिलहाल ही आगे के लिए जाने के लिए बोल रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं वेट करूँ कहाँ पे। शुक्र है मेरे पति भी आ रहे हैं, देख लो मेरे को, मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो ये बैठ गई हूँ, ये मेरा घोड़ा जान चढ़ने लगी है घोड़े के ऊपर। उसे चढ़ा नहीं जा रहा है ऊपर। ओ द्वार तेरे रंग बरसे शेरा वालिए, ओ जोता वालिए, मेरी जान बैठी हुई है राम से। जाने इजी है ना पुत्र, ठीक है। ओ शेरा पहले डर गई बेचारी, क्योंकि पिछले साल हमने जब घोड़े किए थे ना उस टाइम घोड़े छोटे थे, वो बोले ये घोड़ों इन घोड़ों का साइज बड़ा है। ये आ गया चरण पादुका। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जान डर तो लग रहा है पुत्र, ठीक है ठीक है।
क्योंकि डर लगता है दोनों हाथों से पकड़ना होता है उससे आगे आधे घंटे की ब्रेक ली है। यहाँ पे हमने किया हॉट डॉग चाय और अभी जी हमारा ब्रेड पकौड़ा लिए अपने लिए अमूल कोल्ड कॉफी पर इन्होंने एक सवा एक घंटे में लगा दिया हमें थक गया अभी तो चल के नहीं आए पहले अर्ध कुमारी तक का प्लान था बट अब हमने बर्गन तक से सोच लिए बर्गन तक भी लेके देंगे हमने अच्छा नहीं मैं उस पर ही बैठूंगी तो हम बवन के पास पहुंच गए हैं 12:30 चले थे वो है माता का भवन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके दर्शन आराम से हो गए और दिन दिन में पहुंच गए वरना हम खुद पैदल आते तो हमें 10 घंटे लग जाने थे ये देखो सामने भवन दिख रहा है और हम पहुंच गए हैं रश देखो दुनिया आ रही है जा रही है पहली बार हम दिन में पहुंचे ऐसे हमने अर्ध कुंवारी तक घोड़े लिए हुए हैं आज तक जब भी आए हैं बट अब हमने पूरा भवन तक ही ले लिया रास्ते में हमारा माइंड चेंज हो गया और सही सलामत बिन थके माता रानी की कृपा से हम यहाँ पहुँचे हैं जय माता दी अब यहाँ से चलते ही सीधा आगे भवन आ जाएगा सारे जा रहे हैं भैरव घाटी की तरफ ये इतनी लंबी लाइन लगी है क्योंकि वहाँ से रोप वे का रास्ता है तो ये लाइन पूरी भैरव घाटी के लिए लगी है तो अभी हम जस्ट आए ही हैं यहाँ पे तो अभी हम जाएंगे लॉकर में अपना सामान रखने के लिए क्योंकि अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है तो आगे और वीडियो नहीं बना पाऊँगी तो हम फ्रेश होके फिर जाएंगे भवन में मत्था टेक के फिर वापस मिलते हैं ये लॉकर एरिया बहुत ज़्यादा रश पड़ा है यहाँ पे तो हमने यहाँ रिसेप्शनिस्ट के पास जाके लॉकर के लिए चीज़ लेनी है लाइन लगी है लाइन में खड़े होना पड़ेगा तो मैं खड़ी हो गई हूँ साइड पे तो हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं खुद जाके लॉकर की टिकट ले आता हूँ लॉकर नंबर 216 वाओ बैंड भी है इसको मैं पहनूंगी इधर गए हुए हैं कजन ये लड़की मुझे नमस्ते बोल रही है नमस्ते जी अब मैं जा रहा हूँ ये चाचा नमस्ते बोल रहा है नमस्ते चाचा ये यहाँ का वॉशरूम है कैसा लग रहा है नजारा बड़ा अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा फील हो
ठंडी चल रही है हवा यार जहाँ पे। ये है वैष्णो माता का मंदिर। अभी रखने लगे लॉकर में अपना सामान, अब बैग और मोबाइल। कोई बात नहीं, कुछ नहीं। अभी हम दर्शन करके फ्री हुए हैं, लॉकर के पास आए थे अपना सामान लेने के लिए, पर ठंड इतनी हो गई है तो मैं सिर्फ स्वेटर लेके आई थी, तो अभी मुझे इन्होंने एक इनर सेट लेके दिया है, गर्म सॉक्स लेके दिए हैं और ये वाली हमने गर्म चादर ली है। ठंड बहुत ही ज़्यादा है, अपनी हुडी लेके आए थे इन्होंने नहीं लिया। अब सोच रहे हैं कि हम रातों रात निकल जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि रूम वगैरह कोई अवेलेबल नहीं है। क्या मेरा पुत्र है, है? अभी हमने लॉकर से अपना सामान ले लिया है, बिल्कुल सामने माता का भवन। अभी हम कटरा वापस जा रहे हैं, दर्शन बहुत बढ़िया हो गए माता जी के। ये अभी अपने लिए कॉफ़ी लेने गए हैं। ये देखो नज़ारा यहाँ का। अभी मैं रात के 1:30 बजे लेके आई हूँ नेस्ले की आइस लाटे, क्योंकि चाहिए एनर्जी। छुपके के क्यों पी रहे हो, हैं? वो है नीचे कटरा जहाँ से ऊपर आया हूँ माता के भवन। इनके लिए हमें ना टिकट करवानी पड़ती है और ये ऐसे चार्जिंग पे होती है और यहाँ से या अर्धकुंवारी से जाती है भवन तक, तो इनका टाइमिंग होता है, टाइमिंग के हिसाब से चलती है। बट इस टाइम जब भी देखोगे तो ये चार्जिंग मिलेंगे, और तो यहाँ पे मिलते हैं पिट्ठू, और जैसा कि ये आ रहा है बहुत ही सही है ये इसलिए कि अगर बंदा मतलब थक गया या बच्चा है या सेल्फ अपना खुद सामान उठाना है तो इसके लिए हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो लगता है ये बच्चों का प्राइम है, बट इस पे बड़े बुजुर्ग सब बैठ सकते हैं और पर्सनल भी आप इसे करवा सकते हो, जैसे आपने अपना बैग कैरी करना है या कुछ भी। तो ज़्यादा टाइम तो हम घोड़ों पर गए थे तो इस टाइम हमारे अंदर पूरी एनर्जी थी, तो हम 1.5 घंटे में उतर आए अर्ध कुंवारी। ख़राब हो गई। क्या हो गया? ख़राब हो गया। अच्छा, ये ख़राब हो गई। थोड़ा सा मुँह नमकीन करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना, टेस्ट नहीं आ रहा है मुँह में। तो एक लिया हमने टमाटो फ्लेवर, एक लिया हमने प्लेन फ्लेवर। सुबह सुबह बाणगंगा में पहुंचे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं अभी, तो अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ। अरे ठंडा ठंडा जल आ रहा है। तो आते टाइम हम सारे रास्ते पैदल ही आए हैं, जाते टाइम हमने घोड़े कर लिए थे। डन, सीढ़ियों से ही आ जाओ। वे जा रहे हैं जल भरने के लिए, वहाँ पर थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, जैसे वहाँ पानी बड़ा प्रेशर से आ रहा था। और अब
धीरे धीरे करके काफ़ी भीड़ हो गई है, एक ही दम काफ़ी भीड़ जमा हो गई है। तो ये अभी अकेले ही है जो जा रहे हैं। तो टाइम आ गया हमारे ये कार्ड वापस करने का। ये कार्ड देने का दिल तो नहीं करता क्योंकि ये वैष्णो माता से जुड़े हुए हैं, बट अब टाइम आ गया इनको देने का। तो बाय बाय। अभी हम पहुंच गए हैं, अब यहाँ जो लाइन लगी है यहाँ पे हमने ये वाले कार्ड देने हैं। रात को चले थे हम और अब सुबह हो गई है। ये देखो रात के चले हुए, सुबह हो गई है, हालत देखो, ये भी डेड हो गए हैं पूरे। अब ये जो यहाँ लाइन लगी हुई है यहाँ पे जाके हमने कार्ड देने हैं। तो ये अब यात्रा यहीं समाप्त होती है। माता रानी के बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हमें, आप सुबह का नज़ारा देख सकते हो। सुबह हो गई है, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बट अब जाना भी है हमने। तो चलो ठीक है, जय माता दी। अब ये कार्ड देने जा रहे हैं हम। हमने वैष्णो देवी से आने के बाद लिया था क्योंकि थकावट हो गई थी। तो ये है हमारा बाणगंगा का जल और प्रसाद। एक बैग इन्होंने टांगा, ये बोल रहे थे कि मैं पकड़ लेता हूँ, मैंने कहा कुछ नहीं होता, एक बैग मैं भी टांगूंगी, मुझे भी शौक चढ़ा बैग टांगने का। एक बैग लेके आए थे, दो बैग बन गए हमारे। तो अब हम जा रहे हैं, बाय बाय वैष्णो माता और कटरा। अब बस जा रहे हैं, हमारा 5 दिन का कटरा का सफ़र ख़त्म हुआ। तो आज हमारी ये ट्रिप यही ख़त्म होती है, हमें 5 दिन हो गए कटरा में, आज जा रहे हैं हम। तो माता रानी को नमस्ते, हम माता देखते हैं और चलते हैं वापस, सब जा रहे हैं हम। जय माता रानी, जय माता रानी।